पार्ट की तरफ ई पार्ट कुछ इस तरह से है।
इज इक्वल टू 2 3 माइनस 4 4। अब e का ट्रांसपोज लेना है, e का ट्रांसपोज किस तरह से आएगा, अब देन ये मेरे पास रो 1 है और ये रो 2 है। स्टूडेंट रो 1 के एलिमेंट्स क्या है, 2 और 3 इसकी एंट्रीज। अब ये रो में है तो मैंने इसको किस में कट दिया, कॉलम में कट दिया, कॉलम में 2 और 3 लिख दिया, देन रो 2 में क्या है माइनस 4 और 4, तो मैंने इसको क्या कर दिया माइनस 4 और 4 को मैंने कॉलम की सेंस में कर दिया, ये रो में ये कॉलम में चला गया। अब इसको देखा जाए इन कॉलम को मैं रो में कर रहा हूं, अगेन 2 माइनस 4 ये कॉलम में है, मैंने तो रो से लिया ना, रो से लेकर मैंने कॉलम में कन्वर्ट किया, अगर मैं इसको कॉलम की सेंस में ले लूं इसको रो में कन्वर्ट करूं बात तो एक ही है। स्टूडेंट स्टूडेंट यहां पे आपने परेशान नहीं होना, इस चीज में कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां आप रो को पकड़ो उसको कॉलम में कर दो, जहां आप कॉलम को पकड़ो उसको रो में कन्वर्ट कर दो। तो 2 e का ट्रांसपोज लिया, 2 माइनस 4 अब ये कॉलम है तो 2 माइनस 4 ये कॉलम है, 3 और 4 तो इसको मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट e पार्ट भी e का भी ट्रांसपोज आ गया। अब हम आगे चलते हैं f की तरफ, f का ट्रांसपोज लेना तो f में इस तरह से है 1 2 3 और 4। अब 1 और 2 को मैंने ये रो में है तो मैंने क्या किया इसको कॉलम में कर दिया 1 और 2, और 3 और 4 मेरे पास रो में है तो मैंने इसको किस में कर दिया कॉलम में कर दिया 3 और 4। अब देखना जाए अगर मैं इसको कॉलम की सेंस में लूं, कॉलम की सेंस में किस तरह से आ रहा है, कॉलम को मैं रो में किस तरह से कन्वर्ट करूंगा, ये कॉलम है 1 और 2, इसको मैंने रो में कर, ये 1 और 3 कॉलम है, इसको मैंने 1 और 3 मेरे पास कॉलम है इसको मैंने रो में कर दिया 1 3। अब 2 और 4 मेरे पास कॉलम है तो इसको मैंने किस में कर दिया रो में कर दिया 2 और 4। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे तमाम के तमाम पार्ट सॉल्व हो जाते हैं जिसमें हमने फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, कुछ उसने मुझे वेरीफाई की कंडीशंस की फॉर्म के अंदर कुछ मैट्रिसेस दिए हैं, उनके क्वेश्चन दिए हैं कि मैंने प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है कि कैसे ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो सकती है। अब स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं एक ट्रांसपोज मेरे पास आया तो उसका किसी फॉर्म में सोल्यूशन में आंसर दोबारा अगर एक ट्रांसपोज पर अगेन ट्रांसपोज ले लें तो दोबारा वो उसी सेंस ए में ही मैट्रिसेस की फॉर्म में आ जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट्स उसने एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो आए स्टूडेंट्स हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है, वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू 1201 एंड बी इज इक्वल टू 1120 देन सॉल्व दिस मैटर टाइप ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए दिस वन इज एंड देन बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मेरे पास सबसे पहले पार्ट नंबर इसका बंद करते हैं, पार्ट नंबर 1 में देखते हैं मैंने क्वेश्चन ही लिखा ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब जाहिर सी बात ए इज अ डिक्लेरेबल वैल्यू, अब ए की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, ए की वैल्यू क्या है जो मैट्रिसेस की फॉर्म में ये मुझे दी गई है। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टूडेंट्स को आइडिया आना चाहिए कि मैं ए वाली साइड को बिल्कुल नहीं ले सकता, हमारे पास दो साइड्स होती है, एक होती है राइट हैंड साइड और एक होती है लेफ्ट हैंड साइड। अब ए वाली साइड को मैं ले नहीं सकता, अब ए में ये राइट हैंड साइड है, बी ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब मैंने क्या किया सबसे पहले ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज यानी ये साइड को मैं ले सकता हूं, ये साइड मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मैंने ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ये मैंने ले लिया। उसके बाद अब ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, वो कह रहा है इसके इंटरनल वैल्यू को अभी मैंने सॉल्व करना है, अंदर वाली वैल्यू, अंदर वाली कंडीशन मेरे पास क्या है, कह रहा है ए का ट्रांसपोज लो सबसे पहले। तो मैंने क्या किया सबसे पहले अपना मैट्रिसेस ए को मैंने नीचे उतारा, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, अब ए का ट्रांसपोज लिया, ए का ट्रांसपोज उसको मैं टी लगाया इज इक्वल टू इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा, रो को कॉलम में कर दूंगा, कॉलम को रो में, 1 और 2 रो में आया तो इसको मैंने कॉलम में कर दिया, 0 और 1 मेरे पास रो में आया तो इसको मैंने कॉलम में कर दिया, यानी कि ये इस फॉर्म में मेरे पास आंसर आ गया। देन अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी अगेन वी कैन टेक द ट्रांसपोज, मैं क्या लूंगा दोबारा से ट्रांसपोज लूंगा। अब ए टी का होल ट्रांसपोज इसका मतलब ए ट्रांसपोज तो आया, अब स्टूडेंट जहां पे बात देखें मैंने ए ट्रांसपोज लिया तो मैंने उसके ट्रांसपोज का आंसर भी डिक्लेयर फॉर्म में दिया उसे,
ये भी किया कि मैं दोबारा से मैंने क्वेश्चन को नीचे उतार दूंगा। तो स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, तो ए ट्रांसपोज का और ट्रांसपोज मैंने दोबारा से इसका ट्रांसपोज देना है, ठीक है, जिसका मैंने ट्रांसपोज लिया था उसका अगेन दोबारा से ट्रांसपोज दे देना है। तो मेरे पास अब ये मान लीजिए रो में या तो कॉलम में आ गया, मान लीजिए 2 और रो में या तो मेरे पास ये कॉलम में आ गया। अब अगर देखा जाए ए ट्रांसपोज ऐसे से आया, ये वैल्यू किसके को इक्वल आ रहा, ये वैल्यू स्टूडेंट्स इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, इस वाले मैट्रिक्स के, इस वाले ए के मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। और ए ए का ही ए मेरे पास राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, ए मेरे पास क्या है राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये मेरे पास राइट हैंड साइड है। तो अब हैंस बीन प्रूव दैट, हमने प्रूव क्या कर दिया, मेरे पास जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया था वो किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है सिर्फ ओनली वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू जो मैट्रिक्स था अब उसके इक्वल हमारा आंसर आ गया। तो हैंस बीन प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं जिसमें पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 में सिंपल एज इट इज क्वेश्चन है, लेकिन मैंने वो भी आप लोगों को सॉल्व कर दिया ताकि स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की घर में बैठ के मजीद प्रैक्टिस कर सकें और स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी ना हो। तो पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, देन अब अगेन इसमें भी स्टूडेंट्स जाहिर सी बात राइट हैंड साइड पे मेरे पास बी की वैल्यू डिक्लेयरेबल है, यानी कि डिक्लेयर है कि बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो मैं बी की वैल्यू नहीं लूंगा स्टूडेंट्स यहां पे, तो मैं क्या करूंगा सिर्फ यानी कि अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आया बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब बी की वैल्यू सबसे पहले मैट्रिक्स में भी क्वेश्चन में मुझे बी का मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो बी का मैट्रिक्स की एंट्रीज कुछ इस तरह से है 1 1 2 0 और 2 0। तो स्टूडेंट्स यहां पे मेरे पास b इज इक्वल टू 1 1 2 0 आ गया। अब देन b का ट्रांसपोज मैंने लिया, b का ट्रांसपोज इक्वल टू ये रो में है तो इसको मैंने कॉलम में कर दिया। स्टूडेंट जरा फोकस करें, ये रो में है तो मैंने इसको कॉलम में कर दिया, ये भी रो में है रो 2 में है तो मैंने इसको किस में कर दिया कॉलम में कर दिया। अब देन मेरे पास b का ट्रांसपोज इस फॉर्म में आ चुका है। तो स्टूडेंट्स फिर मैं बताता चलूं कि मैंने अगर बी टी लिखा तो मैंने b का ट्रांसपोज फाइनल फॉर्म में अपना लिया, ये नहीं किया कि बी टी लिखकर मैंने क्या किया बी टी लिखकर मैंने b के मैट्रिक्स को उतार दिया, बल्कि नहीं मैंने उसका मैट्रिक्स को मैंने सॉल्व किया, उसको मैंने मैट्रिक्स ले उसका ट्रांसपोज ले लिया, सॉरी मैंने उसका ट्रांसपोज ले लिया b का ट्रांसपोज ले लिया। तो स्टूडेंट्स अब देन कंडीशन हमें क्या कहती है b ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज भी ले रहे हैं, ठीक है अगेन ठीक है वी टेक दी ट्रांसपोज। तो मैंने क्या किया b ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ऊपर लिखा कंडीशन इज इक्वल टू, अब जो ट्रांसपोज आया हुआ है bt b का ट्रांसपोज आया हुआ उसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया, यानी कि ये 1 और 2 मेरे पास रो में है तो मैंने इसको कॉलम में कर दिया 1 और 2। अब देन 1 और 0 मेरे पास रो 2 है तो मैंने क्या कर दिया इसको कॉलम में। तो अगेन स्टूडेंट्स मेरे पास बी टी का होल ट्रांसपोज भी आ चुका है। अब बी टी का होल ट्रांसपोज के बाद देन मैं बी टी का होल ट्रांसपोज एज इट इज लिखूंगा, लेकिन अगर मैं इस मैट्रिक्स की तरफ जाऊंगा 1 1 2 0 किसके इक्वल आ रहा है, तो स्टूडेंट्स ये आपका मैट्रिक्स मेरे पास जो क्वेश्चन में बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 2 0 वो उसके इक्वल आ रहा है। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको क्या कर दिया बी ये मैट्रिक्स को क्या लिख दिया बी लिख दिया, ये किस कौन सा है ये ऑब्वियसली राइट हैंड साइड है मेरे पास ये राइट हैंड साइड है स्टूडेंट। तो बी टी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी, तो हैंस वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड मैंने बी टी का होल ट्रांसपोज किया था वो किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट्स यहीं पे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर नंबर 8 जिसमें हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस किया था आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आप स्टूडेंट्स ने इन तमाम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 और इसकी तमाम की तमाम जो मैट्रिसेस की टाइप्स हैं उनकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से लर्न करना है, आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज पर इसको राइट करना है, और जैसे ही आप राइट कर लेंगे तो मैनेजमेंट की तरफ से जो डेडलाइन आपको दी जाएगी अपना वर्क सबमिट करवाने की, उसमें हम वर्क आप लोगों का चेक करेंगे, इधर नीचे चेकिंग होगा। तो स्टूडेंट्स
ये आप लोगों ने इसकी मजीद प्रैक्टिस करनी है घर पे बैठ के। तो मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।